हकीम साहब, जानना चाहूंगी आज मैं ब्रेन स्ट्रोक को लेके, ये होता क्या है? क्या इस बीमारी में हमारे सर में अत्यधिक दर्द रहता है और इसके लिए क्या कुछ नुस्खे अपनाए जा सकते हैं? देखिए, दिमाग का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक जो है, ब्रेन स्ट्रोक जो, उसकी दो तीन वजह हैं। और उसमें सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये जो खून गाढ़ा हो जाता है और एक ख़राब किस्म की चर्बी हमारे खून में शामिल हो जाती है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और क्योंकि दिमाग एक ऐसा पार्ट है जहाँ से पूरा शरीर कंट्रोल होता है, वो भी बहुत बारीक बारीक, इतनी बारीक नर्व के जो नज़र भी ना आए, यानी नसों से ही भरा हुआ एक दिमाग है, जो नसें ही नसें हैं। और उसको जब ऐसा खून मिलता है जो मोटा होता है, भारी होता है, या चर्बी मिला हुआ होता है, तो उस बारीक नर्व से वो खून बह नहीं पाता, और बह नहीं पाता और उसमें कहीं अटक जाता है। तो दिमाग का दौरा पड़ता है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि जिसको ब्रेन स्ट्रोक होता है उसको कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अब जिसको कोलेस्ट्रॉल होता है उसको ब्लड प्रेशर भी होता है। अब वो खून वहाँ से कोशिश करता है निकलने की, और वो खून क्योंकि मोटा हो गया वहाँ फंस जाता है, और हमें फिर फालिज, लकवा, पैरालिसिस और बहुत ऐसे मिलते जुलते रूप होते हैं। किसी का सिर्फ इस जबान पे अटैक होता है, किसी का सिर्फ आँख पे होता है, किसी का पूरे आधे जिस्म पर, उल्टे या सीधे हिस्से पर फालिज मार जाता है, जिसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो हिदायत तो ये है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि 40 साल के बाद अपना खून सबका, डॉक्टर का भी और मरीज का भी, वैद्य का भी और हकीम का भी, और मुल्ला का भी, पंडित का भी, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। अगर आपने अपने खून के गाढ़ेपन की परवाह नहीं की तो कभी भी ये स्टॉक आ सकता है। तो ये कुदरती तौर पर है कि सबका खून गाढ़ा होता है। इस उम्र के बाद आप ऐसी ग़िज़ाएं या दवाएं ज़रूर लिया करें कि जिससे हमारा खून पतला रह सके। तो वो दवाई क्या कुछ हो सकती है हकीम साहब? गोंद या फिर सिरका कोई ऐसा? देखिए, एक तो जब भी हम खाना बनाएं तो उसमें अदरक, लहसुन और जीरा कसरत से इस्तेमाल करें। कसरत से मतलब ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये भी हमारे खून को पतला रखने में मदद करता है। और 6 महीने में एक बार जांच भी करा लिया करें अपने खून की, डायबिटीज़ की, कोलेस्ट्रॉल की, ये इन सब की जांच हो जानी चाहिए, ताकि आप वक्त से पहले खबरदार हो जाएं कि आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं और किस चीज़ पर हमें ज़्यादा तवज्जो देनी है। एक ये, दूसरा, खून पतला करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। और जब भी हम खासतौर पर महिलाओं की बात करेंगे, जब भी सब्जी सालन बनाने का वक्त आता है तो हर चीज़ तो खूब इस्तेमाल करते हैं महिलाएं, लेकिन इतना सा अदरक, इतना सा लहसुन डालते हैं, इतना सा जीरा। अगर हम अपने खानों में इतना अदरक और इतना लहसुन डाला करें तो हमें ये बीमारी नहीं हो। और खूब धनिया भी डाला करें, जीरा भी ज़्यादा डाला करें। एक तो ये एहतियात है।
और दवाएं भी बहुत हैं, जैसे नमक जैतून आता है, और एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर रोज एक बार या दो बार पी लिया करें। इससे 10 फायदे तकरीबन होते हैं। देखिए, एक तो कहीं पार्ट्स पर वर्म नहीं आता। पार्ट्स ऑफ बॉडी जो हमारे मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, लीवर है, मैदा है, आते हैं, किडनी है, और वो ठीक रहते हैं, मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए है ये। फिर इससे खून पतला रहता है, लीवर बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, किडनी बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, बवासीर, हाजमा, ये सब ठीक रहता है, और स्किन का कोई रोग नहीं होता, खून साफ होता रहता है, स्किन का कोई रोग नहीं होता, मुहासे नहीं निकलते, बालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये एक या दो खुराक ले लिया करें तो हम बहुत सारे रोगों से, यानी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होने देता, दिल का कोई मर्ज नहीं होने देता। दिल में अक्सर क्या होता है कि दिल की नालियों में, नसों में चर्बी जमने लगती है, तो उससे दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये वो भी नहीं होने देता। फिर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज ना होने देने की भी सलाहियत इसमें है। तो ये सब लिया करें, अपना ख्याल खुद किया करें, तभी हम सेहतमंद रह सकते हैं।